गुड मॉर्निंग। कितना हो रहा है ठंडा रॉकी? आज बर्फ़ पड़ने वाली है ना? बर्फ़ पड़ने वाली है, बता। नमस्ते कर, नमस्ते कर, बोल नमस्ते कर, नमस्ते। तो आज पड़ेगी बर्फ़ और खेलेगा तू बर्फ़ में, ठीक है? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। मैं हूँ केदार महर और आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में एकदम मस्त होंगे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज है 3 दिसंबर 2021 और सुबह के बजे हैं 8, और अभी तक मैं हूँ अपने बिस्तर में क्योंकि यार बाहर मौसम बहुत ठंडा है और यहाँ पे आज हमारे धर्मघर में शायद शाम तक बर्फ़ पड़ जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज मैं बहुत दिनों के बाद पूरे दिन भर मैं अपने घर में हूँ और अभी मैं उठूँगा, उसके बाद मैं फटाफट तैयार होकर नाश्ता करूँगा, फिर जाऊँगा अपनी शॉप में। उसके बाद मुझे शॉप में बहुत कुछ काम करना है। आज मैं अपने शॉप में क्या क्या काम करूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग के माध्यम से। तो आप इस ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी हर वीडियो देख सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का खूबसूरत नज़ारा। और प्रांजल सिंह, बर्फ पड़ेगी आज? पड़ेगी बर्फ? कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब बीरू भाई गुड मॉर्निंग, आग जला दी, बर्फ पड़ेगी आज? आसार लग रहे हैं। तो यार दोस्तों ये देखिए, ये है धर्मगढ़ का खूबसूरत नज़ारा। अभी मैं हूँ अपनी छत में और ये देखिए पूरे आसमान में बादल हैं भैया। आज मुझे उम्मीद है यार बर्फ़ ज़रूर पड़ेगी। और मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे बीरू भाई ने जला दी है आग। अभी थोड़ी देर बाद मैं भी यहाँ पे जाऊँगा आग सेकने के लिए। और ये आप देख सकते हैं धर्मगढ़ का खूबसूरत नज़ारा और कुछ इस प्रकार से। क्या हाल है, आज बर्फ पड़ेगी या सर? संभावना नहीं है। संभावना नहीं है? नहीं है। क्यों, बादल तो है आसमान में। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। मिस्टर अंशुल सिंह महर क्या कर रहे हैं, बर्फ पड़ेगी आज पक्का? कर क्या रहे है तू? ये है फ्री फायर का बादशाह। क्या खेल रहा है दिखाई बस, कौन है तेरा फ्री फायर का बेस्ट प्लेयर? अज्जू भाई। ओ बाप रे। सो गाइज फाइनली मैं एकदम तैयार हो गया हूँ और आ गया हूँ अपने छत में और आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं पीछे मौसम आज बहुत ख़राब हो चुका है और दोस्तों मुझे लग रहा है कि यार शाम तक शायद बर्फ़ पड़ जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आज से कुछ दिन पहले मैंने इसी चैनल में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं गया था सीकर में और वहाँ पे भगवान मोहन नारायण देवता के मंदिर में हम लोगों ने पूरे गांव वालों ने पूजा पाठ करी थी, पंचामृत हवन यज्ञ किया था। और उसमें मैंने ये बोला था कि जब बारिश नहीं होती है, बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो हम लोग जाते हैं भगवान मोहन नारायण देवता के दरबार में और वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और भगवान जो है बारिश कर देते हैं। तो आज जो हमने यज्ञ किया था, जो हवन यज्ञ किया था या फिर जो पंचामृत पूजा पाठ की थी, वो हमारा सफल हो गया है और आज यहाँ पे बारिश होने लगी है। आप देख सकते हैं नीचे पूरी सड़क गीली हो गई है और लोग सब अपने घरों में हैं और इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं बारिश धीरे धीरे आ रही है और थोड़ी ही देर बाद बर्फ़ भी पड़ेगी, मुझे ऐसी उम्मीदें हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से आगे को, और जब बर्फ़ पड़ेगी तो खूब सारी वीडियो मैं यहाँ की बर्फ़ की भी आप सभी के लिए इस चैनल में लेकर आऊँगा। तो चलिए चलते हैं आगे को और करता हूँ मैं अभी अपना काम फिनिश फटाफट, उसके बाद जब बर्फ़ पड़ेगी तो फिर एक नया ब्लॉग बनाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बाहर हो रही है बारिश और बर्फ़ आने की संभावना है और मौसम है आज बहुत ज़्यादा ठंडा और बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो हमने अंदर बैठ के यहाँ पे देख लीजिए आप इस प्रकार से यहाँ पे आग जला ली है और पीछे आप देख सकते हैं हमने लगभग 8-10 दिन के लिए पूरी लकड़ी की व्यवस्था यहाँ पर कर ली है कि अगर बर्फ़ पड़ती है और अगर एक आध हफ्ता अगर यहाँ पर बर्फ़ टिकती है तो एक आध हफ्ते तक हम कंटिन्यू यहाँ पर आग का सहारा लेंगे और अपने आप को गर्म रखेंगे, क्योंकि भैया धर्मगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाता है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिना आग के नहीं रह सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, तो इस समय मैं हूँ अपने घर के अंदर और सेक रहा हूँ आग और उसके बाद जाता हूँ दुकान में, फिर दिखाता हूँ आपको आगे की वीडियो। आप वीडियो में बने रहें। तो इस समय मैं आ चुका हूं अपनी शॉप में और ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी एक छोटी सी शॉप जहां पे अभी मैं बैठा हूं और मुझे यहां पे 2-3 काम करने हैं। एक मुझे बनानी है किसी की फ़ोटो और उसके बाद एक मुझे करना है एक UPCL यानी कि बिजली का बिल जमा, और उसके बाद मुझे बनाना है एक किसी का पैन कार्ड जिसके लिए यहाँ पे मैंने आधार कार्ड लिया हुआ है। तो ये 3 काम मुझे करने हैं जो कि पेंडिंग है, दुकान में पड़े हुए हैं। किसी की फ़ोटो बनानी है और देनी है, भेजनी है कहीं, बिजली का बिल जमा करना है और पैन कार्ड बनाना है, और उसके बाद मैं खाना खाऊँगा फिर मैं आगे की वीडियो बनाऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में बिल हो रहा है पेड, और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं अगर आप भी हमारे धर्मगढ़ के आसपास रहते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आप जमा करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे पास आइए, हम आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कर देंगे। और ये अब यहाँ पर हम लोग रसीद जो इसकी रिसिप्ट होती है उसको डाउनलोड करेंगे और उसको ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे रसीद डाउनलोड हो रही है, ये हो चुका है रसीद डाउनलोड, और इसको हम प्रिंट करते हैं और उसके बाद सिंपली हम इसको दे देते हैं कस्टमर को। सो गाइस, जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड किया जो कई दिनों से मेरे शॉप में किसी कस्टमर ने रखा हुआ था और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने टाइम निकाल कर उनका काम कर लिया है। अब मुझे दूसरा काम करना है दोस्तों, पैन कार्ड मुझे यहाँ पे एक बनाना है। मैं आप सभी को बता दूँ कि दोस्तों, अगर आप भी हमारे आसपास रहते हैं, अभी तक अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनाया है, तो आप जल्द से जल्द पैन कार्ड अप्लाई कर लें, जिसके लिए आपको एक आधार कार्ड लाने की आवश्यकता होती है मात्र। और अगर आपका आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको सिर्फ आधार ही देना होता है, लेकिन अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसके लिए आपको 2 फ़ोटोज़ भी देने होते हैं, जिसके बाद हम लोग आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और जो पैन कार्ड के लिए जो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, उसका जो एक्नॉलेजमेंट जो होता है उसकी फ़ोटोकॉपी, उसका प्रिंट आउट, और उसके अलावा 2 फ़ोटोज़ उसमें लगाकर आपके सिग्नेचर करके TNSDL के पते में हम लोग इसको भेजते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल लिंक है तो आप अपने घर बैठे भी पैन कार्ड बना सकते हैं। आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर है या अच्छा मोबाइल है जिसमें आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी तरह से काम करता है, तो आप घर बैठे अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं तो आइए हमारी दुकान में आइए कभी भी, और यहाँ पर आपको बहुत कम रेट में जो है पैन कार्ड अप्लाई करके हम देंगे और बहुत जल्दी आपके घर में पैन कार्ड पहुंचेगा। तो अगला काम मैंने करना है यहाँ पे एक पैन कार्ड अप्लाई, और उसके बाद फिर मैं हो जाऊंगा फ्री, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि बाहर कितनी बारिश हो रही है और बर्फ़ पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, वो सब कुछ मैं दिखाऊँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी ही देर बाद। तो हेलो दोस्तों, अभी दिन के बजे हैं 2 और अभी भी मैं हूं अपनी शॉप में। आज पूरे दिन भर मैंने अपनी दुकान में समय दिया है, और अगर मैं मौसम की बात करूं तो बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैंने अपने दुकान का मेन शटर बंद किया हुआ है, और अभी मैं आपको बता दूँ कि आज दिन भर काफ़ी सारे कस्टमर दुकान में आए, दिन भर मैं अपने काम में बिजी था। और मैं आपको बता दूँ कि जो हम लोग वेडिंग फ़ोटोशूट करते हैं, तो वेडिंग फ़ोटोशूट के बाद हम लोग जिसकी शादी
की फ़ोटोग्राफी की होती है तो उन लोगों को हम लोग बुलाते हैं, वो लोग अपने शादी की फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमारे कुछ कस्टमर आए थे जिनकी शादी में हमने वेडिंग फ़ोटो शूट किया था और वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपना सारा जो फ़ोटो सिलेक्शन होता है वो कम्प्लीट किया, वो जा चुके हैं। और इस समय मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ मेरी वाइफ मुझे फ़ोटो सेलेक्ट करने में यहाँ पे हेल्प कर रही है। ये आप देख सकते हैं जो शादी की हम लोग फ़ोटो शूट करते हैं तो वो सारे के सारे फ़ोटो पहले हमको सेलेक्ट करने होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लिक हम लोग करते हैं, उसके बाद हम अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, फिर कस्टमर को बुलाते हैं, फिर कस्टमर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम एल्बम डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग के लिए बाहर भेजते हैं। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपने छत में और वहाँ से मैं आपको पहले दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा, कितनी बारिश हो रही है, बाहर मौसम कैसा है, और उसके बाद मैं करूँगा अपने ब्लॉग को एंड। और फिर जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी तो मैं उसका ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। मुझे विश्वास है कि कल सुबह तक या आज रात तक हमारे धर्मगढ़ में बर्फ़ अवश्य गिरेगी और देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ पहले बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मैं हूँ अपने छत में और ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैं बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैं भी भीग जाऊँगा, मेरा फ़ोन भी भीग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों छत में पूरा पानी जमा हो गया है, इतनी बारिश यहाँ पे हो रही है। और आगे देखिए बंदर, बंदरों का यहाँ पे चल रहा है राज और बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, बहुत ज़्यादा ठंडा है मौसम। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी और अगर कल बर्फ़ पड़ती है तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाऊँगा अपने धर्मगढ़ की। तो फ़िलहाल आप ये देखिए इस प्रकार से बाहर का है मौसम और मैं आपको थोड़ा सा आप दुकान के बाहर जाके मार्केट की भी सीन दिखाता हूँ कि मार्केट में कितने लोग हैं और कितने दुकानें मार्केट में खुली हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये है धर्मगढ़ का शानदार नज़ारा और यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है आप देख सकते हैं, मार्केट बिल्कुल सुनसान है। और ये है श्री मनोज पाठक जी की दुकान। पाठक जी नमस्कार। ये आप देख सकते हैं पाठक जी सेक रहे हैं यहाँ पर आग, अगेठी में जली है गर्मा गर्म आग। और ये हैं हमारे मनोज पाठक जी। कितना हो रहा है गुरु ठंडा? ठंडा बहुत हो रहा है, बहुत है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर, गोभी और पता नहीं क्या क्या है, आगे कौन सी सब्जी है, अदरक है और संतरा, सेब, गाजर सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो आप आइए यहाँ पर इनके शॉप में आइए और यहाँ से सब्जी ताज़ी ताज़ी खरीद के ले जा सकते हैं। तो ये है मनोज पाठक जी की दुकान। आज मार्केट है ठंड और हमको भी लग रहा है ठंड, तो थोड़ा सा हाथ हम भी गर्म कर लेते हैं। और ये आके आप देख सकते हैं दोस्तों ये सामने धर्मगढ़ मार्केट जो कि बिल्कुल सोना पड़ा है आज। तो गुरु जी क्या लग रहा है आपको, कल तक पड़ेगी बर्फ़ पड़ेगी? हाँ आसार लग रहे हैं कल तक, अगर रात भर ऐसी बारिश रही तो सुबह तक बर्फ़ आने के लिए आसार। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया यार। सो गाइज ये देख सकते हैं कुछ ये है नज़ारा हमारे धर्मगढ़ का। सो गाइज इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड क्योंकि भैया मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है ठंडा और मैं चलता हूँ अब यहाँ से अपने रूम में और घुसता हूँ बिस्तर के अंदर, उसके बाद फटाफट इस वीडियो को एडिट करके पोस्ट करता हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि रात 9 बजे एक बेहतरीन वीडियो जो कि हमारे पहाड़ी शादी विवाह पर आधारित वीडियो होगी मैं अपने इसी चैनल से रिलीज़ करने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। अगर आप को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो जो आज का ब्लॉग मैं आपको दिखा रहा हूं तो प्लीज़ यार इस ब्लॉग को, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको मेरी हर वीडियो समय पर देखने को मिल सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय और टाटा।